नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अरुचा शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो गई है और बहुत ही जल्द सत्ता का संग्राम भी देखने को मिल रहा है। इसी बीच अब कई पार्टियां हैं जो इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगी। जय महाभारत पार्टी भी चुनावी रण में उतरने वाला है और आज सभी उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी गई है। फर्स्ट फेज को लेकर 71 सीटों पर कौन से उम्मीदवार ताल ठोकेंगे उसकी घोषणा हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनंत विष्णु जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, पार्टी की रणनीति क्या है, क्योंकि कई सारे पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं, नेताओं ने भी दम ठोकना शुरू कर दिया है, इसमें आपकी पार्टी सबसे अलग कैसे होगी? जय महाभारत पार्टी जिस दिन 243 सीटों पर बिहार में अकेले लड़ने के लिए जो फैसला लिया, वही हमारा पार्टी का नया सोच है, नया विकल्प भी है। तो सत्ता के लालच में या सत्ता के पाने के लिए सत्ता के भोग में कई पार्टी गठबंधन में जा रहा है, लेकिन जय महाभारत पार्टी सेवा करने के लिए बिहार प्रजा को अकेले दम पे 243 सीटों पे आ रहा है। ये हमारा ग्राफ वेरी क्लियर है। हम कोई सत्ता का भूख नहीं है, सत्ता जनता देगा। हम जनता को सुधरने के लिए, उनका तकदीर बदलने के लिए, उनका दिक्कत को हटाने के लिए जय महाभारत पार्टी सरकार बनाने के लिए जनता के सामने हम अकेले दम पे 243 असेंबली कॉन्फ्रेंस में जा रहा है। हमारा जय महाभारत पार्टी का जो आपने बताया अलग क्या है, तो देश में आज तक कहाँ कोई फ्री एजुकेशन पॉलिसी नहीं है और फ्री मेडिकेशन पॉलिसी नहीं है। आपका बाल बच्चा प्राइवेटाइजेशन स्कूल में जाए तो कई करोड़ों का लाखों का पैसा बर्बाद हो रहा है हॉस्पिटल में या स्कूलों में। जय महाभारत पार्टी का ये एजेंडा होगा। जय महाभारत पार्टी सरकार बनाने तुरंत एजुकेशन, प्राइवेट मेडिकेशन पूरा बैन करेगा। कंप्लीट एजुकेशन और मेडिकेशन गवर्नमेंट टेक ओवर करके फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलेगा बच्चा लोगों को, कॉलेज तक, स्कूल तक, कहाँ तक पढ़ो फ्री ऑफ कॉस्ट, देर इज़ नो सिंगल एंट्री हाउ टू पे। एंड हॉस्पिटल में कोई भी जाओ, छोटी गायल से लेकिन हार्ट ऑपरेशन तक भी निःशुल्क, एक पैसा भी देने का जरूरत नहीं है। फ्री ऑपरेशन, फ्री ट्रीटमेंट, फ्री मेडिकल सप्लाई मिलेगा। ये स्वस्थ और चिकित्सा देने के लिए हमारा एजेंडा मेन है और हमारा वादा है। बिहार में बेरोजगारी की 100% खत्म करने का हमारा वादा है। तो तेजस्वी यादव भी एजुकेशन को लेकर बातें कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि उनकी अगर सरकार बनती है तो वो भी एजुकेशन पॉलिसी में सुधार करेंगे और उसके साथ युवाओं को लेकर, उनसे जुड़े मुद्दे को लेकर वो दम भर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रोजगार भी देंगे। ऐसे में आपकी पॉलिसी उनकी पॉलिसी में कैसे अंतर है? लगता है कि तेजस्वी यादव आपके लिए चुनौती होंगे, कोई फैक्टर होगा चुनाव में? कौन कौन यहाँ कौन है हमें नहीं जानता हकीकत में। सिर्फ जय महाभारत पार्टी हमारा एजेंडा 243 असेंबली कॉन्फ्रेंस में चुनाव लड़ने जा रहा है। हमारे सामने कौन आ रहा है, हमारे पीछे कौन आ रहा है, हम ये नहीं देखते। हम जनता के लिए क्या एजेंडा लेके आया, हम कैसा लड़ना, सिर्फ हमारा एजेंडा, हमारा मुद्दा पे फोकस करते। हमारा जय महाभारत पार्टी में हमारा 243 कैंडिडेट हमारा हीरो है। ये सब कुछ बिहार जनता हमें सहयोग देंगे, किसी से कोई लेन देन नहीं है, कोई भी हम नहीं जानते। ऐसा लगता है सर कि चुनाव से पहले एंट्री लेना और उसके बाद से सभी योद्धाओं को चुनाव में उतार देना, पहलवानों को चुनाव में उतार देना, इतनी जल्दीबाजी में सब कुछ कर देना और बिहार को जीत लिया जाएगा इतने कम दिनों की रणनीति से? आप इतिहास में भी गवाह है, तो महाभारत सिर्फ 18 दिन में हुआ था, हमारा यहाँ पे 17 दिन काफ़ी है यहाँ पे जय महाभारत पार्टी सरकार बनाने के लिए। तो ये थे जय महाभारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार में यहाँ पर कंपटीशन किसी से नहीं है, बल्कि इनकी पार्टी अलग से अलग मोटो के साथ चुनावी रण में उतरेगी और जीत सुनिश्चित करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।